हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट नंबर 17, जूलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी एंड बॉटनी। अभी तक पार्ट नंबर 16 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके टोटल 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो अभी आपको पता है, जल्दी सारे के सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं, एसएससी और रेलवे और बैंकिंग, जितने भी पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, सभी होंगे इसी साल के अंदर या स्टार्टिंग में। तो उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, पार्ट नंबर 17। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ उनके जो पीडीएफ है वो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से पीडीएफ डिज़ाइन की गई है। तो आज काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, पार्ट नंबर 17 को, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401। द टू मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ एंड ऑक्सीजन इज टेकन इन, मतलब हमारी श्वास प्रणाली है उसमें ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। कहाँ पे होता है ये? ये होता है फेफड़े के द्वारा, उसको बोलते हैं लंग्स। एक बात और बताता हूँ, हर क्वेश्चन के पहले आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा, जिससे जितने ज़्यादा आप डायग्राम को देखेंगे उतने आपको चीज़ें याद हो जाएगी कौन सा पार्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें गलती से मैंने लगाया डायग्राम, ये मैंने जानबूझ के लगाया जिससे आपको याद हो जाए। PDF ही देखेंगे आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द साइट मतलब फेफड़ों के अंदर जो श्वसन होते हैं वो कहाँ पर होता है ये पूछा है। तो यह होता है एल्वियोली में, इसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठिका। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। नेक्स्ट देखो, डायग्राम हर क्वेश्चन के बाद है। एयर कंडीशनर के रूप में कौन काम करता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एयर कंडीशनर के रूप में कौन काम करता है? तो ये है नेसल चैम्बर्स, नाक के कक्ष, ये टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? ट्रैकिया का एक सिंपल सा फंक्शन होता है, यह एयर जो हम लेते हैं ना, सांस लेते हैं, उसको फिल्टर करता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ओपनिंग टू द ट्रैकिया इज कवर्ड बाय स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू। जो ट्रैकिया होता है ना उसको एक ढक्कन होता है, मतलब बंद करने का या खुलने का, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वीडियो की जो लेंथ है वो टोटल 10 मिनट है, हमें 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कवर करने हैं, क्योंकि टोटल हमारा 1000 क्वेश्चन का टारगेट है। और जल्दी रेलवे की सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, तो जिसमें रेलवे के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन की गारंटी है वो क्वेश्चन करा देने के बाद सारे क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड ब्लड। देखो, जो ब्लड की एयर है और जो हमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उनके बीच में आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी श्वसन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, देखो जो लंग्स होता है ना उसके अंदर मैक्सिमम कितनी सांस लेके उसको भर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी, सी ऑप्शन। द ट्रैकिया डिवाइड्स इंटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। जो ट्रैकिया होता है ना वो छोटे छोटे ट्यूबों में डिवाइड हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ब्रोंची। डायग्राम में देख लेना ब्रोंची क्या होता है, देख लो, ये रहा ब्रोंची, ये देखो ये ट्रैकिया है, ये यहाँ पे आई, दो डिवाइड हो गई, तो इसको बोलेंगे ब्रोंची, ठीक है। इसीलिए डायग्राम को मैंने रखा है जिससे आप साथ के साथ पढ़ते चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रैकिया। देखो, ट्रैकिया के बारे में तीन इसमें से जो कथन है वो सत्य हैं, हमें लेकिन असत्य कथन को पहचानना है। तो जो असत्य है उसका राइट आंसर है ए। यह आमतौर पर जो मांसपेशी होती है उसके पीछे पाया जाता है एसोफेगस के, ऐसा कुछ भी नहीं होता, देख सकते हैं हम डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट, जो श्वसन का केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर, ये होता है मेडुला ऑब्लॉगेंटा में। मेडुला ऑब्लॉगेंटा बता सकते हैं आप कहाँ होता है? ये हमारे हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, मतलब हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ एयर? देखो, जो हमने ऑक्सीजन ली है और जो हमने CO2 बाहर की है, तो उसको हम कैसे माप सकते हैं, उसका मेजर हम कौन से उपकरण से करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा स्पायरोमीटर, डी ऑप्शन। वातस्फीति एक पुराना विकार। देखो, जो धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं, उनमें ये एम्फाइसिमा या वातस्फीति नाम का एक रोग हो जाता है, तो उससे हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट खराब होता है? तो वो होते हैं वायुकोशीय दीवारें, एलिवियोलर वॉल्स, ये हमारी खराब होने लगती है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अस्थमा इज़ ड्यू टू, अस्थमा क्यों होता है ये भी आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर होगा ब्रोंकॉइल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ड्यू टू मसल स्पैसम, ठीक है, सी ऑप्शन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रेकिया द लंग्स एंड द डायफ्राम, ये आपको याद रखना है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तीन पार्ट से मिलकर बने, कौन कौन सी, ट्रेकिया, लंग्स एंड, देखो ये तो ट्रेकिया है, ठीक है, पता चल गया, लंग्स आपको पता ही है, ये लंग्स हैं और ये है डायफ्राम, इससे मिलकर बनते हैं। तो डायग्राम को आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लंग्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ पार्टीशन इन द एल्वियोली इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं एम्फिसिमा, डी ऑप्शन। ये एक नाम, एक टाइप से कह सकते हो बीमारी भी है, वातस्फीति बोलते हैं इसको हिंदी में, पिछला क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। देखो अब जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमारे रेस्पिरेटरी पे थे, बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब बायोलॉजी के हैं बट डिफरेंट है। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो कौन सी दवाई है वो, उसका नाम है एम्पीसिलिन, जैसे पेनिसिलिन होता है ना वैसे एम्पीसिलिन है ये। नेक्स्ट, हमारी हड्डियाँ और दांत किसके बने होते हैं, सबको पता है कैल्शियम के बने होते हैं, बट कैल्शियम ही कौन सा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है और सबने इसका आंसर लगभग लोगों ने किया था शिप, मतलब भेड़, बट इसका राइट आंसर होगा रैबिट। देखो एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है ना उसके अंदर भी क्वेश्चन था कई बार। निम्न में से कौन सी बीमारियां पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो वह बीमारी का नाम है हार्ट अटैक। देखो व्हाट, उपवास के समय सामान्य व्यक्ति में ब्लड शुगर की मात्रा होती है, आप अगर फास्ट करते हैं ना तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाता है 70 से 100 के बीच में, हम नॉर्मल इसको ही मानते हैं वैसे, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है काफ़ी। एक आपका जो पेड़ है ना उसका तना है, उसके अंदर 50 रिंग्स बनी हुई है, तो आप बता सकते पेड़ की एज क्या है, पेड़ की एज होती 50 साल, ठीक है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई इलास्टिक टिश्यू, हमारी जो हड्डियाँ होती है ना वो एक दूसरे से अटैच होती है, तो किसकी वजह से जुड़ी हुई होती है, ये क्वेश्चन है, ये है लिगामेंट। देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आता ही है, केबीसी में आया था ये क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था ये क्वेश्चन, लिगामेंट। दांतों पर निर्मित फ्लैक्स किससे बने होते हैं, प्लैक्स फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ, तो ये बने हुए होते हैं फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया, काफ़ी चीज़ों से बने होते हैं ये, छोटे छोटे दाने, इसकी बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्स एंड टीथ, तो ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती है, वह होता है फॉस्फोरस, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं टोटल, तो ये आपको पूछा जा सकता है, दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब, बी ऑप्शन। तो ये था पार्ट नंबर 17, टोटल 25 क्वेश्चंस थे और 425 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये भी गारंटी, अगर ये आप सारे क्वेश्चन करके जाते हैं ना, तो देखो एनटीपीसी के एग्जाम में जीके का पोर्शन ज़्यादा है और जीके में भी किसका ज़्यादा है, साइंस का, साइंस मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मान लो 1000 क्वेश्चन बायो के, 1000 क्वेश्चन फिजिक्स और 1000 केमिस्ट्री, टोटल लगभग 3000 क्वेश्चन आप तीनों को मिलाकर करके जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। दिस इज पार्ट नंबर 17 और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, काफ़ी मेहनत से इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किए गए हैं, तो बस इतना ही आज के लिए, इतना ही बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।